तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वैसे चला रहे हैं KTM RC390 और मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, तो वैसे देखेंगे कि कैसा पावर है। हम तो वैसे MT15 वैसे चलाते थे और थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है और हाथ में वहाँ पर वैसे काफ़ी वैसे दर्द कर रहा है। तो अभी वैसे देखेंगे, थोड़ा सा वैसे चलाएँगे तो वैसे हाथ वैसे बैठ जाएगा, तो थोड़ा सा भगाएँगे भी और पिकअप तो वैसे RC में वैसे काफ़ी ज़्यादा है। MT15 तो वैसे मुझे अंडर पावर लग रही है, बहुत ही बढ़िया बाइक है। 390 फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, वो भी वैसे RC, और इसका जो पावर डिलीवरी है वो वैसे काफ़ी वैसे बढ़िया है। अभी वैसे देखते हैं, भगाते हैं। और ये बाइक चलाने के बाद वैसे शायद ही यार मैं MT15 यूज़ करूँगा। और अभी मेरी बाइक का टेस्टिंग चल रहा है, मैं नीलेष भाई की RC390 चला रहा हूँ, वो मेरी MT15 चला रहा है, परफॉर्मेंस टेस्ट वैसे कर रहा है। और अभी वैसे भगाते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं और चलाते हैं यार फर्स्ट टाइम। काफ़ी वैसे अच्छी बाइक से और काफ़ी वैसे मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने में। व्हीलिंग के साथ वैसे राइड कर रहा हूँ तो भी यार जो पावर डिलीवरी है वैसे काफ़ी वैसे बढ़िया है। जितना हम वैसे टोटल देते हैं उतना वैसे बाइक वैसे आगे की ओर वैसे प्रूव करती है और काफ़ी वैसे मज़ा आता है। पावर फील करना है तो यार ऐसे ही बाइक वैसे चलानी है। MT15 में तो यार ठीक ठाक है, मुझे वैसे ये चलाने के बाद वैसे लग रहा है कि MT15 में वैसे बहुत ही कम पावर है और नॉर्मल बाइक जैसा फील हो रहा है MT15। और इसमें जो पावर मिल रहा है यार पूछो ही मत। और हमारी MT15 अभी आ रही है तो अभी थोड़ा सा ऐसे बैटल करेंगे, आई थिंक भगाएंगे तो दोनों साथ में ही भगाएंगे। हमारी MT15 भी यार काफ़ी वैसे बढ़िया बाइक है और मेरा हाथ वैसे काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ गया है। तो हमारी MT15 तो अभी वैसे बैटल करेंगे, के आसपास वैसे पुल कर दिया था इस बाइक को मैंने, तो काफ़ी अच्छा पावर दे रही है। और मेरी MT15 में क्या है कि जब वैसे 130 जाते हैं तो इतना ज़्यादा वैसे लगता है विंड ब्लास्ट कि यार पूछो ही मत। और जो हाई स्पीड में चलाने का मज़ा है वो वैसे काफ़ी वैसे बिगड़ जाता है। और इसमें वैसे ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें आप जितनी भी ज़्यादा स्पीड होंगे उतनी वैसे बाइक वैसे कम्फर्टेबल चलेंगी, परफॉर्मेंस काफ़ी वैसे बढ़िया है। और BS4 या BS3 है ये वाली RC390, तो काफ़ी वैसे मज़ा आ रहा है और हैंडलिंग भी वैसे काफ़ी वैसे कंफर्टेबल है, ओल्ड बाइक है फिर भी। आप देख सकते हो हमारी MT15 कैसी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। तो हाथ में वैसे काफ़ी ज़्यादा वैसे दर्द हो रहा है। MT15 में जब पिलियन साथ होता है तो वैसे ऐसा दर्द होता है हाथ में काफ़ी, वैसे ये देख सकते हो आप ऐसा रेड रेड हो जाता है हाथ है, वैसे लाल हो जाता है। तो MT15 में ऐसा नहीं होता है, वो नेकेड बाइक है और ये फेयरिंग वाली बाइक है, फुल्ली एरोडाइनमिक। तो इसमें जो हमारा वेट है वैसे पूरा हाथ पे आता है। इसका जो सस्पेंशन वगैरह है वैसे काफ़ी वैसे बेटर वर्क करा है। मेरी MT15 में वैसे ऐसे पैच वगैरह आ जाते हैं ना रोड पे तो थोड़ा सा वैसे उछलती है मेरी बाइक, इसमें वैसे कुछ होता नहीं है सर। काफ़ी अच्छी तरीके से बाइक वैसे चल रही है और मेरा जो हाथ है वैसे काफ़ी वैसे दर्द कर रहा है और बाइक चलाने में वैसे काफ़ी वैसे मज़ा आ रहा है, फन है। जो पावर है वैसे काफ़ी वैसे बढ़िया है, पावर डिलीवरी वैसे काफ़ी वैसे बढ़िया है।
तो अभी वैसे वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो है आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ राइड एंड सेफ ड्राइव। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get